मित्रों प्रणाम। मैं आपका साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ चैनल ओम आलोकिक कार्यक्रम तंत्र मंत्र वायंत्र में। वह हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आपके उपयोगी कुछ उपाय। एक श्रृंखला हम अभी इस समय लेकर चल रहे हैं, जुआ सट्टा व लॉटरी में अपनी किस्मत कैसे बनाएं, तो ये आपको हम आज बताएंगे मित्रों। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो देखें, अपने स्क्रीन पर इस प्रकार का एक मोबाइल पर ऑप्शन होगा, ये है सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन खुल कर आएगा, ये है बेल आइकॉन, इस पर भी अगर क्लिक कर देंगे तो हाँ तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो मित्रों अब आपको बताता हूँ वो उपाय जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। मित्रों शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन आप नहा धोकर सफ़ेद रंग की धोती पहने और एक आसन आप सफ़ेद रंग का उत्तर दिशा में बिठा लें, अर्थात आपका मुख उत्तर की ओर हो और जब आप उस आसन के सामने जाए तो आप उस आसन को वहाँ लगा दीजिए। उस पर आपको स्वर्णाकर्षण गुठिका एक पत्थर होता है उसको रखें, उस पत्थर को आप सिद्ध कैसे करेंगे और आपको उससे कैसे फल मिलेगा वो मैं बताता हूँ। आप देखें अपने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक मंत्र, ओम नमः वीर बैताल आकस्मिक धन देह देह नमः ओम। तो उस स्वर्णाकर्षण पत्थर को आप जहाँ अपने सामने रखा हुआ वहाँ तेल का दीपक जलाया हुआ है, इस मंत्र का आप 21,000 बार जाप करेंगे। कितने दिन तक? 21 दिन तक, मतलब 21,000 बार जाप करना है और लगातार 21 दिन तक ये प्रयोग करना है। उसके बाद ये स्वर्णाकर्षण गुठिका सिद्ध हो जाती है और आप उसको अपने जेब में या अपने वस्त्र में रखकर कहीं भी जाएं, जिस कार्य में आप चाहेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वह जुआ हो चाहे सट्टा हो या मटका हो, रेस कोर्स हो या तीन पत्ते हो, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको कैसा लगा ये उपाय आप हमें सूचित करिए अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें कार्यक्रम तंत्र मंत्र वायंत्र और कुछ अनचुनी अनचुनी कहानियाँ। आज की सभा में इतना ही मित्रों, अन्य सभाओं में आपसे फिर वेट करूंगा, तब तक के लिए मातेश्वरी आपका कल्याण करें, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।